हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? इंडिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम अरबी की मसालेदार सूखी सब्जी बनाना सीखेंगे। तो अरबी की सूखी सब्जी के लिए हमें चाहिए लगभग 10 अरबी। पहले हम अरबी को छौंकने के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 12 से 13 लहसुन की कलियां जिनको हमने पीसेस में काट लिया है, 4 चम्मच सरसों का तेल, आप चाहें तो कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, आधा चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच नींबू का रस, आप चाहें तो नींबू रस की जगह 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच अजवाइन, स्वादानुसार नमक, 1 पिंच हींग। मसाला पीसने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 1.5 चम्मच धनिया के बीज, 1 प्याज, 2 खड़ी लाल मिर्च, 5 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक। अब हम अरबी को प्रेशर कुकर में उबलने के लिए रख देते हैं। अरबी को कुकर में डाल दें। अब इसमें पानी डालते हैं। पानी का लेवल अरबी के लेवल के बराबर होना चाहिए, न ज्यादा न कम। अब गैस जलाते हैं। जैसा कि इसके पहले के दही अरबी के वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये चेक करने के लिए कि अरबी कितनी सीटी में उबलेगी, उसको पहले हाथ से ऐसे स्क्रैच करके देखते हैं। अगर ये स्क्रैच हो जाती है इसका मतलब एक सीटी में अरबी पक जाएगी, लेकिन देखिए ये टाइट है, स्क्रैच नहीं हो रही है, इसका मतलब इसको उबालने के लिए हम 2 सीटी देंगे। अब 2 सीटी आने का इंतजार करेंगे। जब तक अरबी उबल रही है तब तक हम मसाला पीस लेते हैं। जार में हम डालते हैं प्याज, अदरक, लहसुन की कलियां, हरी मिर्च और लाल मिर्च, इसके साथ धनिया के बीज। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसको बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, इसको हल्का दरदरा रखना है। देखिए हमें ऐसा ही हल्का दरदरा इसको पीसना है। अब इसको हम अरबी को छौंकते समय यूज करेंगे। गैस में 2 सीटी आ गई थी और इसका प्रेशर निकल गया है। अब हम अरबी को छील के स्लाइसेस में काट लेंगे। मैंने अरबी को छील लिया है और उसको देखिए स्लाइसेस में काट लिया है। इतनी पतली स्लाइसेस काटनी है। अब हम अरबी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। गैस पर एक फ्राई पैन चढ़ाएं और गैस जलाएं। अब फ्राई पैन में तेल डालते हैं। अब इसमें तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम लहसुन डालते हैं। लहसुन को हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हाई पर ही रखें। अब लहसुन फ्राई हो गए हैं और इनको निकाल लेते हैं। ध्यान रखिए लहसुन ब्राउन नहीं होने चाहिए। जैसे ही हल्के से गुलाबी होने लगे उनको तुरंत निकाल लें। अब इनको बाद में डालेंगे। गैस की फ्लेम लो पर है। अब इसमें मेथी दाना डालते हैं। गैस की फ्लेम को तेज कर लें। इसके बाद अजवाइन डालते हैं और इसको फ्राई करें। गैस की फ्लेम को लो कर दें। अब जो मिर्च थी उसको हम 2 पीस में काट के डाल देते हैं। इसके साथ हींग डाल देते हैं और जो मसाला हमने पीसा था वो डाल देते हैं। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं। हल्दी पाउडर को मसाले के साथ अच्छे से मिला दें। मीडियम आंच पे ही मसाले को पकाएंगे। मसाले को तब तक पकाना है जब तक मसाला अपने साइड से तेल ना छोड़ने लगे और बीच बीच में मसाले को चलाते रहें। अब मसाला देखिए पक गया है, एक जगह ये खट्टा हो रहा है और ये तेल भी रिलीज कर रहा है। अब इसमें हम अरबी डालेंगे और इसके साथ ही हम नमक भी डाल देंगे। अरबी को मसाले के साथ हल्के हाथ से मिला लें। ध्यान रखें अरबी को हल्के हाथ से मिलाएं। देखिए अरबी को मसाले के साथ हमने मिला लिया है। अब इसको एक ढक्कन से ढक देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। अब ढक्कन को 2 मिनट के बाद ओपन करेंगे ताकि अरबी हल्की सी क्रिस्पी हो जाए। अब 2 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन हम ओपन करते हैं। इसको पलट दीजिए। देखिए हल्की सी फ्राई हो गई है। अब अरबी को पलट देते हैं ताकि दोनों साइड ये हल्की हल्की क्रिस्पी हो जाए। अब अरबी को हमने पलट दिया है। गैस हमारी मीडियम पर ही है। अब इसको दोबारा से ढक देते हैं और इसको 3 मिनट बाद खोलेंगे। अब 3 मिनट हो गए हैं। ढक्कन दोबारा से खोलते हैं, अरबी को पलटते हैं और 1 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये फ्राई की हुई अरबी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अब 1 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम नींबू का रस डाल देते हैं। अब नींबू का रस अरबी में मिला लेते हैं। इसके साथ ही हमने जो लहसुन फ्राई किए थे वो भी डाल लेते हैं। ये लास्ट में मैंने लहसुन इस वजह से डाला है, जब आपके ये मुंह में आएगा तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि पहले से फ्राई हो गया है। अब इसको हम मिला लेते हैं। अब इसको 1 मिनट तक लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। 1 मिनट हो गए हैं। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए ये मसालेदार चटपटी अरबी की सब्जी बनकर तैयार है और ये देखने में भी काफी अच्छी लग रही है। इसको आप घर पर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये अरबी की सब्जी कैसी लगी। ऐसी ही और मैंने अरबी और दही की सब्जी बनाई थी जो आपको आई बटन में मिल जाएगी।
स्वादिष्ट और जायकेदार रेसिपीज के लिए आप मेरी वेबसाइट www.indiakirasoi.com पर जरूर जाएं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखने के लिए समय निकाला, उसका धन्यवाद।